lecture. In the series of the video lectures, we are discussing about the replication of DNA. पहले लेक्चर में हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को ही स्टडी किया. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमने कंप्लीट तौर पे नहीं स्टडी किया था. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हमने सिर्फ ये चीज देखा था, व्हाट वाज द साइट ऑफ रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन द प्रीवियस लेक्चर. अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर फर्स्ट को देख लीजिए रेप्लिकेशन एंड देन लेक्चर सेकंड पे आ जाइए. इसमें हमने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है. इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि पूरी किस तरह से पूरा मैकेनिज्म हो रहा है रेप्लिकेशन में. रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप्स हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. तो कुछ स्टेप्स हमने एक्सप्लेन भी किए हैं फर्स्ट लेक्चर में. पहला स्टेप हमने एक्सप्लेन किया है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड हमारे न्यूक्लियस के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है, वो पहला स्टेप है. सेकंड स्टेप है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन को भी हमने स्टडी किया कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन हर जगह नहीं होती है, बट ओनली एट द स्पेसिफिक साइट्स. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर आर द नंबर ऑफ इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन, बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन जो है एक ही जगह पे स्टार्ट होती है. आफ्टर दैट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स भी हमने स्टडी किया था. तो यहां तक हमने पढ़ लिया है. तो यहां हम देख रहे हैं हमारे पास ये डीएनए है. दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये दो स्टैंडर्ड्स डीएनए की हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया था कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे होता है. डीएनए की हेलिक्स कैसे ओपन हो जाती है उसमें हमने डिस्कस कर ही लिया था कि वहां पर डीएनए के हेलिक्स को खोलने के लिए एंजाइम हेलिकेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द हेलिकेस एंजाइम. ये हेलिकेस एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन कर लेता है और जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन करके कट करके खोलने की कोशिश की जाती है, खोल दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट डीएनए उसके बाद रहा हुआ हो, ये डीएनए है, उसके ऊपर सुपर कॉइलिंग आ जाती है. उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए एक और एंजाइम है. उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेस. इस एंजाइम को डीएनए गायरेस भी कहते हैं. उसके अलावा जब दो स्ट्रैंड्स को ओपन किया जाता है तो दो स्ट्रैंड्स की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स मिल जाए, उन दोनों स्ट्रैंड्स को ना मिलने दिया जाए, यानी उनको सेपरेट ही रखने के लिए एक दूसरे तरह का एंजाइम है SSBP, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों स्ट्रैंड्स को खोल के रखता है और बीच में ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बना रहा है इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं. वाई शेप स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन फॉर्क, यहां तक हमने स्टडी कर लिया था. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमर स्ट्रैंड. अब जब स्ट्रैंड को ओपन कर दिया गया, जब स्ट्रैंड खोल दी गई, अब इसके ऊपर डीएनए को सिंथेसाइज करना है. डीएनए को सिंथेसाइज कैसे किया जाएगा, इसके लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है. दिस इज द आरएनए प्राइमर. दिस इज द आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है और ये आरएनए प्राइमर है क्या बेसिकली, इट इज 5 to 8 न्यूक्लियोटाइड या 10 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है. आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमेज की मदद से बनता है और आरएनए प्राइमर की एक यूनिक बात है. वो यूनिक बात क्या है कि 5' एंड पे ही ये चैन के साथ जुड़ जाता है और काम करता है. दैट मीन्स इट ज्वाइंस एट द 5' एंड ऑफ द डीएनए. आरएनए प्राइमर एक स्ट्रैंड पर तो सीधे ही 5'3' एंड से स्टार्ट करेगा सिंथेसिस चैन, लेकिन दूसरी स्ट्रैंड जो है वो 5' एंड है, उसके ऊपर आरएनए प्राइमर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है. इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आरएनए प्राइमर की ही वजह से बन रहे हैं. दूसरी बात, यहां पर एक और एंजाइम आ रहा है
This enzyme is known as DNA polymerase. DNA polymerase help the synthesis of the chain. DNA polymerase RNA primer जब start करता है तो DNA polymerase chain को आगे बढ़ाता है. तो formation of RNA primer strand जब बन गए उसके बाद base pairing का काम शुरू हो जाता है. That is next step is the base pairing. Base pairing में क्या होता है? हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट्स की शक्ल में होते हैं. एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट. उन ट्राइफॉस्फेट्स को मोनोफॉस्फेट्स बनाया जाता है. आफ्टर द मोनोफॉस्फेट उनमें से दो फॉस्फेट्स निकल जाते हैं उसको पायरोफॉस्फेट कहते हैं और हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फेट यहाँ पे एड हो जाता है. तो उस चेन को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास जो ये एंजाइम है इस एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज है. और डीएनए पॉलीमरेज भी जो है ये 5' एंड से काम करता है. 5' एंड टू 3' एंड डीएनए की चेन को सिंथेसाइज करता है. तो इस तरह से यहां पर दो चीजें नई आ गई है इस स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप नंबर 3 पे हमारे पास दो चीजें नई आई है. That is, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स भी बने हुए हैं ओकाजा के फ्रेगमेंट्स जिनको कहा जा रहा है. और दूसरी चीज आरएनए प्राइमर भी आया है. आरएनए प्राइमर ने चैन किसम से स्टार्ट करी और नेक्स्ट उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज भी आया. डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड चैन को सिंथेसिस करता है. तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप पे स्टेप नंबर 4 पे देख रहे हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्ट्रैंड पे बिल्कुल डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है और इस स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपरली काम कर रहा है. इस स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं या हम यहाँ इसका नाम लिखा है लीडिंग स्ट्रैंड भी इसको कहा जाता है. यानी इसके बीच में कोई भी फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे हैं लेकिन दूसरी स्ट्रैंड जो है ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है. इस स्ट्रैंड पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. इस स्ट्रैंड का नाम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और या इस स्ट्रैंड का नाम हमने लैगिंग स्ट्रैंड भी नाम दिया है. और इस पे जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको ओकाजा की फ्रेगमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इन फ्रेगमेंट्स को स्टडी किया है उसका नाम ही ओकाजा की है. इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजा की फ्रेगमेंट्स कहते हैं. यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चैन को सिंथेसाइज कर रहा है लेकिन साथ साथ जो हेलिकेस एंजाइम है हेलिकेस एंजाइम चैन को आगे मतलब खोल रहा है डीएनए को ओपन कर रहा है. जूं जूं ये चैन इसके ऊपर सिंथेसाइज हो रही हैं न्यू स्ट्रैंड्स बन रही हैं और ये पुरानी वाली चैन जो है ये ओपन हो रही है इस तरह से. तो इस तरह से फोर्थ स्टेप पे क्या हो रहा है हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू चैन देख रहे हैं. हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि डीएनए में बताइए डीएनए के सिंथेसिस में वो कौन सी दो चेन सिंथेसाइज होती हैं. इसमें दो तरह की चेन सिंथेसाइज होती हैं. वन इज द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड. तो लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड होती है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड. डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड उसमें और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में क्या फर्क है. जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है या लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड में ये डिफरेंस है कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर कंटिन्यूअसली डीएनए की सिंथेसिस हो रही है डीएनए पॉलीमरेज की मदद से लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली सिंथेसाइजिंग नहीं हो रही है बल्कि इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. उन फ्रेगमेंट्स को ओकाजा के फ्रेगमेंट्स कहा जाता है. जब ये ओकाजा में फ्रेगमेंट्स बहुत सारे बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाता है इन आरएनए प्राइमर्स को निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप जो हमने देखा उसमें प्रूफ रीडिंग होगी और रिपेयर होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इन आरएनए प्राइमर्स को निकाल दिया जाता है और ये जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एक और एंजाइम आता है. उस एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज है. डीएनए लाइगेज will join the small fragments of the DNA and after that proof reading bhi hogi. proof reading karega DNA polymerase first
DNA polymerase first will do the propreading. Propreading का मतलब कहीं ये देखा जाएगा दोनों strands पे कहीं error तो नहीं है, कोई ऐसी nitrogenous base तो नहीं आई है, कोई ऐसी base pairing तो नहीं हुई है जो mismatch है, mismatch हो या कोई और हो उसको repair कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा और एकदम से strands को synthesize कर दिया जाएगा. ये वाली strand फिर complete होकर एक hybrid strand बन जाएगी और दूसरी वाली strand भी हमारे पास एक दूसरी स्ट्रैंड बन जाएगी. और कुल मिला के एक डीएनए से अगर हम इस डीएनए को यहां देखें लास्ट पे ये इस तरह से बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हम निकाल सकते हैं, ये स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड ऊपर की ओर बनेगी. इसको हम दूसरे कलर से दिखा सकते हैं इन दिस वे. इस पे ये स्ट्रैंड एक नई बनी, दिस इज द फर्स्ट वन, एक स्ट्रैंड ये बनी और दूसरी स्ट्रैंड हम इसी के ऊपर ये देख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक और नई स्ट्रैंड बनी. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है. तो आप इसको यहां देख सकते हैं, इसमें एक जो है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड रही और एक न्यू स्ट्रैंड बनी. इसमें भी एक पेरेंट स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड बनी. कुल मिला के एक डीएनए से आप देख रहे हैं किस तरह से रेप्लिकेशन हो रही है, किस तरह से डबल हो रहा है. तो आप इस मैकेनिज्म को एक बार और देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप पे आप देखिए किस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क बना. रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद यहां पर हेलिकेस एंजाइम ने इसको अनवाइंड करने में हेल्प किया. डोपो आइसोमरेस ने सुपर कॉइलिंग को रिमूव किया एंड एसएसबी प्रोटीन्स जो है एसएसबी प्रोटीन्स स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखते हैं ताकि स्ट्रैंड दोबारा कॉइल अप ना हो जाए. उसके बाद हेलिकेस एंजाइम कंटिन्यूअसली पीछे की ओर जा रहा है और रेप्लिकेशन फॉर्क को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर आरएनए प्राइमर आ रहा है. आरएनए प्राइमर चेन के ऊपर सिंथेसिस स्टार्ट कर रहा है. डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर चेन सिंथेसिस कर रहा है और यहां पर दूसरे स्ट्रैंड पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. इन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं. यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है लेकिन आरएनए प्राइमर जो है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना रहा है. इसमें एक खास बात की याद रखनी है, वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आरएनए प्राइमर जो है ये किस प्राइम एंड पे काम करता है. इट स्टार्ट्स द सिंथेसिस फ्रॉम 3' एंड ऑफ द डीएनए, यानी इसी के ऊपर तभी आप कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड देख रहे हैं. दूसरे प्राइम एंड पे ये कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है. और डीएनए पॉलीमरेज ऑल्सो वर्क्स फ्रॉम 5' टू 3'. इट इज एन इम्पॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज किस तरह से काम करता है. इट वर्क लाइक इन दिस वे 5' टू 3'. फिर आप इस स्टेप पे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं. डीएनए पॉलीमरेज आगे की ओर दोनों स्ट्रैंड पे जा रहे हैं, एक स्ट्रैंड का नाम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, दूसरे का नाम डिसकंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं. और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं लास्ट स्टेप पे ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट्स में से आरएनए प्राइमर को निकाल दिया जाता है और डीएनए लाइगेस की मदद से इन छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइन कर दिया जाता है. और डीएनए लाइगेस इनको ज्वाइन करने के बाद आफ्टर दैट लास्ट स्टेप पे प्रूफ रीडिंग और रिपेयर होती है. प्रूफ रीडिंग के काम डीएनए पॉलीमरेज वन करेगा और अल्टीमेटली हमारे पास दो छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे और ये हाइब्रिड स्ट्रैंड कहलाएंगे. इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को हमने कम्प्लीटली स्टडी किया. इस तरह की वीडियोस को देखते रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए. नेक्स्ट आने वाली वीडियोस ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म पे होगी, तब तक हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए. थैंक्स.